हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो और चैनल हाँ जो भी है तो so गाइस मैं आज ग्रैनी टू खेल रही हूँ सिर्फ ग्रैंड के साथ ग्रैनी को हम आज अलाउ नहीं करेंगे हम सिर्फ ग्रैंड के साथ खेलेंगे सो गाइस यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं सच बता रही हूँ ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है मतलब मैंने इससे पहले लाइव स्ट्रीम में अपना एक प्रैक्टिस मोड किया था जिसमें मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कौन सा रास्ता कहाँ पर है लेकिन मैंने इसको जब खेला ना तो थोड़ा थोड़ा मुझे होने लगे कि हाँ यहाँ पे ये होगा यहाँ पे ये है यहाँ पे ये है थोड़ा थोड़ा ना मुझे रिमेंबर होने लगे सारी चीज़ें याद आने लगी यार मेरे तो इंग्लिश ही ख़राब है तो फिर याद आने लगी मैं ओम माई गाज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं डर गई यार मैं फिर भी डर गई तो गाइज मैं डोर से स्किप करूँगी ठीक है हमारा आज का मोटिव यही है कि इस ग्रेनिट्यूब में हम डोर से स्किप करेंगे सो so गाइज मैं यहाँ पे uh, मतलब कि सब चीज़ें ना एक बार मैं ना पूरा घर घूम रही हूँ इसका सुंदर सा जो इसने बना रखा है ताकि मुझे जो जो चीज़ें दिखती जाए मैं उसको एक तरफ़ फेंकती जाऊँ तो मुझे जो जो चीज़ें ऐसा लग रहा था कि नहीं ज़रूरत है uh, मतलब डोर के लिए वो मैं नहीं ले रही थी और जो जो मुझे लग रहा था कि हाँ इसकी ज़रूरत है उसको मैं ले रही थी सो तो यहाँ पर मुझे काफ़ी खुफिया रास्ते भी दिखे और फिर मैंने सोचा कि यार अब ग्रैंड पा आने वाला है अरे हाँ पता है मैंने इसमें एक चीज़ किया था मैं क्या कर रही थी इसको जो है ना ऐसे इसे से करके गिरा रही थी सो so दैट मतलब ग्रैंड पा आ जाए फिर मुझे याद आता है शायद ग्रैंड पा तो बहरा है ना तो उसको तो याद आएगा नहीं तो उसे उस सॉरी उस, उस, सुनाई तो देगा नहीं तो मुझे ही उसको ढूंढ को मारना पड़ेगा तो मैं उसको ढूंढ रही थी कि मैं कैसे मारूंगी कैसे मारूंगी सॉरी वो मुझे दिखे 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 तो मुझे दिखता है कि वो अपने रूम में जा रहा होता है दौड़ के देखना अभी अंदर की तरफ वो चला गया और बंद कर लिया मैं कह रही यार ये तो बड़ा सही है इसके अंदर ही रहता होगा फिर फिर तो जाता ही नहीं होगा फिर तो मैं आराम से देखती हूँ लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहीं वेट कर लेते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है ना देखते हैं तब से आ जाता है ये महान बुढ़ा तो मैं इसको गिराती हूँ देखने मैं कहती तो हूँ यार मेरे को सिक्योरिटी की दे अब मैं ऊपर जाती हूँ फिर मैं उसके बाद देखो मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस में दे रहा देख रखा है ना ये वाली चीज़ें थोड़ी थोड़ी कि मतलब उसके गले में ये है और सिर्फ यही देखा था उसके मुझे सिर्फ यही याद है वैसे बाकी तो मैं खुद से कर रही थी और कर रही हूँ मैं बस चलती जा रही हूँ चलती जा रही हूँ तो मुझे सेफ़ की मिले यार जब मुझे सेफकी मिली मिली थी ना तो मैं हर जगह में देख रही मैंने कहा यार वो कहाँ पर है मैं किस पे लगाना है मुझे वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद था मुझे याद ही नहीं यार मैंने कहा चलो छोड़ो इसे सेफ़ की को सबसे पहले ये व्हील लगा लेते हैं मैंने इसको व्हील को सबसे पहले लगा दिया था उसके बाद फिर मैं ऊपर गई थी मैंने कहा यार टाइम पूरा हो गया ग्रैंड पर तब से आ गया था जैसे कि तुम लोग को दिखा होगा तो वो आ गया था फिर उसके बाद मैं उसके पीछे दौड़ी और मैंने उसको ये डांस कर रहा था यहाँ पता नहीं क्या कर रहा था नाच रहा था फिर उसके बाद जो है मैं लेकर गई हूँ सेफ की फिर मैं ढूंढ रही हूँ हर जगह कि भैया कहाँ पे लगेगा ये सेफ की सेफ की कहाँ पे लगेगा ये 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 जो डोर हैंडल है ना इसने मेरा बड़ा दिमाग ख़राब किया था मैं तुम तो लोग को देखो आगे बताऊँगी वो चीज़ फ़िलहाल मैं सेफ की को लगा रही हूँ लगा रही हूँ कि मतलब कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे फिर मुझे नहीं दिखता है फिर मैं कहती हूँ यार मेरा फिर टाइम चला गया पूरा फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि उस गन को लेके मैं अपने आसपास मतलब ऐसे ऐसे घूमती हूँ मुझे जो जो चीज़ें दिखती जाएंगी मिलती जाएंगी मैं उसको यूज़ करती जाऊँगी तो यहाँ पर लग रहा होगा कि डे टू कैसे तो ग्रैंड पाप बेफ को बुढ़ा पीछे से आके मुझको मार दिया था जो कि मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ वो चीज़ और फिर मैं उड़ गई थी फिर उसके बाद फिर मैंने इसको ढूंढ के फिर मारा मैंने इसको ढूंढ के फिर मैं ऊपर के लिए मतलब कि ऊपर शायद फ़ोटो वोटो तो लगता है ना तो उसके लिए मैं कलेक्ट कर रही थी फिर मैंने इसको लगाया फिर मैंने इसको जहाँ पर फेंक दिया था फिर मैं यहाँ पर सब चीज़ें क्रोबार का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लगा ये अपने आप ही हुआ है मतलब इतना ज़्यादा सटीक रास्ता मतलब इधर से उधर जाने का ये अभी हुआ है ठीक है तो मैं बस जल्दी जल्दी सब चीज़ें ढूंढ रही हूँ जैसे कि पैडलॉक की और पैडलॉक की जैसे कि जितना मुझे याद है वो उस मकड़े के पास होता है वहाँ एक मकड़ा है तो मैं रेंच ढूंढ रही थी कि मुझे रेंच मिले मुझे कटिंग प्लायर मिल जाता है तो मैं मतलब कटिंग प्लायर का यूज़ करने के लिए जा रही हूँ तब तो से ग्रैंड पर आ जाता है सॉरी बुढा आ जाता है और फिर मैं उसको मार देती हूँ मैंने उसको इतनी बार मारा है ना लेकिन फिर भी मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करने की कोशिश कर रही थी तो यहाँ कटिंग फ्लायर से मैंने इस्तेमाल कर दिया है ज़रूरी नहीं है ना कि हर वक्त पूरे टाइम बोलते ही रहो शांत भी देख जा सकता है ना चीज़ें क्या कर रही थी हाँ मैं मीट ली मीट ली हाँ अब मैं मकड़े के पास जाऊँगी तो मैं सोचा अरे यार मुझे तो रेंच चाहिए अभी तो रेंच मतलब कि शायद नीचे गिरा होगा तो मैं देखती हूँ मुझे नहीं मिलता है फिर मैं यहाँ पर बाय लक मुझे बाय लक मिल जाता है मैं यहाँ पर पहले उसका बुढ़्ढे का इस वेट कर रही थी कि वो जल्दी से आया मैं उसको मार दूँ तो यहाँ मैं ग्रैंड पा का वेट कर रही हूँ मतलब बुढ़े का वेट कर रही हूँ ओ मई को मेरा पैर लग गया उधर तो आ गया बुढ़ा आ गया आ गया अब मैं जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सकता है कि दे और मुझे तुरंत ही बाई लक मुझे रेंज मिल जाता है मैं इसका इस्तेमाल करके जल्दी से जाती हूँ मैं सोचती हूँ कि जल्दी से अब यहाँ पर वो सब घटना है क्या नाम है फ़ोटो वगैरह कलेक्ट करना है मतलब मैं सबसे पहले मीट के लिए भागी थी मुझे मीट लेना है वहाँ जाना है मुझे पता था क्योंकि वहाँ पर पैड लॉक की होगा ही होगा और फिर मैं यहाँ पर जाती हूँ फिर मैं यहाँ पर देखती हूँ पैड लॉक के होता है फिर मैं इसका खाना रखती हूँ ये जब तक चबा रहा होता है खाना मैं तब तक पैड लॉक ही लेकर जाती हूँ और मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ मुझे सिर्फ़ डोर हैंडल चाहिए होता है अब यहाँ मेरी पागलबंदी देखना मैं हाँ मैंने उसको मार दिया फिर मैं यहाँ पर फिर से एक और मीट की वो कर रही थी कि मुझे फिर मीट मिल जाए और मैं डोर हैंडल भी साथ साथ ढूंढ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो डोर हैंडल है शायद मे भी ऊपर वो है ना स्टेयर्स मतलब कि ऊपर जाकर हो मे बी तो मैं यहाँ पर पूरा जब रास्ता फिर मैं जब पूरा देख चुकी थी ना फिर मैं यहाँ पर खड़ी हो गई थी और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा था कि डोर हैंडल वहाँ पे है जैसे कि अभी स्टार्टिंग में देखा था ना कि उधर के साइड था रखा हुआ वहाँ पे है मुझे याद ही नहीं आ रहा था यार मुझे याद ही नहीं आ रहा था और मतलब मैं फिर दोबारा नीचे गई मैंने सोचा यहाँ पर रखा होगा फिर मैं दोबारा ऊपर गई मैंने कहा शायद चलो पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं यहाँ पे शायद मे बी ऊपर हो तो मैं यहाँ पर फोटोज़ वगैरह कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ सारी फ़ोटोज़ से सिक्योरिटी रूम में मैं सब फेंकती हूँ मतलब ऊपर जाके फेंक दिया मैंने एक और ये दूसरा मैंने ये दो पहले कलेक्ट कर लिए थे ना और ये मैं तीसरा लेने की कोशिश करती हूँ आती ही नहीं है फिर उसके बाद मैं इसको टर्न मैं घूम के लेती हूँ फिर ये आ जाता है फिर मैं ऊपर जाती हूँ फिर मैं सारा मतलब लगाती हूँ फ़ोटोज़ मुझे लगा कि यहाँ पे होगा डोर हैंडल और डोर हैंडल नीचे था और मैं यार मैंने इतना यहाँ पे टाइम वेस्ट किया था ना कि मैं क्या बताऊँ यार मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था टाइम वेस्ट ही नहीं मतलब देखना अभी आगे क्या होगा देखो मैं दोबारा उसी रास्ते से मैं जा रही थी लेकिन यार फिर क्या बताऊँ मैं मेरे मैंने वो तो ध्यान ही नहीं दिया मेरा डे थ्री आ गया मतलब मैं बस दो दिन है सिर्फ तो मैं ये सोच रही थी मुझे जल्दी से करना है इसे तो मैंने उससे बुढ़ी को मारा और फिर मैं गई फिर मैंने कहा जल्दी से फ़ोटोज़ वगैरह लगाते हैं यहाँ मैं दोबारा आई थी देखा यहाँ मैं दोबारा आई थी मतलब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वेपन का लेने का वेपन की को लेने का लेकिन यार वो मेरी पेफकूफी की वजह से ना यार तो अभी मैं वॉइस कवर कर रही हूँ मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना सच में मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया तो मैं यहाँ जाती हूँ फिर मैं यहाँ पर शूट के लिए मतलब वो करती हूँ और जैसे तैसे करके आधा घंटा लगा के आ, मैं जैसे तैसे कर लेती हूँ पता नहीं कैसे बाई लक लग, लग जाता है इधर का तो बीच का तो लक ही लगा था फर्स्ट वाले का भी थर्ड वाले का भी लक ही लगा था ठीक है तो हाँ मैं गिर गई थी मैंने कहा यार ये क्या था तो फिर वहाँ पर मतलब बुढ़ा बुढ़े के आने का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा उसको दोबारा उड़ा के फिर मार जाएंगे ऊपर देखेंगे कि क्या हुआ वहाँ पे एक्चुअल में तो मैं यहाँ काफ़ी देर तक वेट करती हूँ और बुढ़ा आ जाता है मैं उसको उड़ा देती हूँ वहीं पर फिर मैं ऊपर जाती हूँ फिर मैं यहाँ देखती हूँ कि मैं गिरी कैसे थी मतलब क्या हुआ था यहाँ पर तो जब मैं जाती हूँ तो फिर मैं यहाँ पर देखती हूँ यहाँ पर मुझे ग्लास फ्यूज़ चाहिए होता है और मैं मुझे याद आता है कि हाँ मैंने ग्लास फ्यूज़ कहीं देखा है मैंने नीचे ही देखा है मतलब मैं सच बताऊँ मैंने डोर हैंडल के और ग्ला ग्लास फ्यूज़ के ढूंढने के चक्कर में मुझे सब चीज़ें मिल गई थी बोट की मिल गई थी मुझे हेलीकॉप्टर का पूरा टूल मिल गया था मुझे मतलब मेरे को बोट का सारा टूल मिल गया था पैडलॉग की तक मेरे पास था पर वही चीज़ है ना कि क्या बताऊँ मैं बहुत ही गुस्सा आ रहा है मुझे क्या यार मैं दोबारा नीचे आई थी चेक करने के लिए कि सब कुछ मतलब कहाँ है यार क्या नहीं फिर मैंने सोचा कि मैंने मूड चेंज किया कि मैंने बोर्ड से कर लेते हैं कहा नहीं यार यार ये तो एक तो ये, ये सामने आ गया ना मैं डर गई थी फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं नहीं यार चलो फिर से देखते हैं एक बार तो मैं यहाँ फिर देखती हूँ फिर मुझे ग्लास प्यूस नहीं मिल रहा होता है मैं कहीं यार वो था कहाँ वो था कहाँ मतलब मैं चीज़ ही भूल गई वो था कहाँ और वो पता ही मुझे कहाँ मिला था मुझे मतलब बाथरूम में मिला था मैं बताती हूँ नीचे वो जो बाथरूम है ना वहाँ पर मिला था मुझे पता नहीं मैं बाई लैक उधर चली गई थी अभी तो मैं फिलहाल में उसको बड्डे का वेट कर रही हूँ कि वो आए मैं उसको उड़ा दूँ दोबारा मतलब यार मुझे वो डो वो क्या नाम है ग्लास प्यूस वहाँ पे बाथरूम में मिल गया था और जो डोर हैंडल था वो उसके नीचे वो जो वो एक वो गत वो थोड़ा सा ना नीचे से होते हुए जो वाला रूम था वहाँ पे था मतलब दोनों चीज वो थी ग्ला, आ, मुझे ग्लास प्यूस फिर फाइनली मिल जाता है यहाँ पे मैंने कहा अरे ये यहाँ पे था अच्छा 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 तो मैं इसको तुरंत जाती हूँ पड़ जाती हूँ लगाने के लिए कि चलो मुझे फाइनली डोर हैंडल मिल जाएगा जो कि यहाँ था ही नहीं क्या यार मैं यहाँ जाती हूँ मैं देखती हूँ मेरे लिए अच्छा ये तो मैं यार देखूँ मैंने कहा यार ये तो हेलीकॉप्टर ओ शेड या तो डोर हैंडल है ही नहीं फिर मैं डूब तो मैं कहती तो हूँ यार कहाँ गया कहाँ गया मैं उसको इतना डूबती हूँ लेकिन यार मैं काफ़ी देर तक ट्राई करती हूँ मार देता है मुझे जैसे मार दिया मुझे मेरे पास लास्ट डे है अब तो मैं जाती हूँ मैं सोचती हूँ हल्के से आप धीरे धीरे करके मैं खेलूँगी धीरे से जाऊँगी देखूँगी वो कहाँ है कहाँ नहीं है वो आ रहा होता है फिर मैं गोल गोल घूमती हूँ सॉरी फोर्थ डे है मेरा मैं सोचती हूँ उसको गोल घुमा मार दूँगी पर वो मुझे फिर मार देता है मतलब अब जब मुझे याद आ गया था इस वक्त मुझे याद आ गया था मतलब मुझे डे फोर्थ में याद आ गया था कि अरे डोर हैंडल में भी वहाँ हो सकता है वहाँ तो मैं गई नहीं तो मतलब जब मेरे को याद आया तो मैं उसने मुझे जाने ही नहीं दिया वहां भी यार इतना कोशिश कर रही थी कि मैं वहां जाऊं जाऊँ इसको जल्दी से मार दू तो मैं ये सब लेती हूँ कलेक्ट करती हूँ ना और फिर यार वो आ जाते मैं जाती जाती हूँ मार नहीं पाती हूँ यार और मेरा डे चला जाता है मुझे याद आ गया था डे फोर्थ में पर यार सब कुछ खराब तो होता है इतना गुस्सा आ रहा था ना मतलब सच में मुझे गेम <laughs> तो थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग माई वीडियो नेक्स्ट टाइम मैं पक्का अच्छे से करूँगी